दोस्तों मैं हूँ उपमा सिंह और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स और आज मेरे साथ है कैसी जबरदस्त जोड़ी जो जब भी साथ आती है सफलता के नए कीर्तिमान रचती है गौरव बैनर्जी कंटेंट हेड डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जाने माने फिल्म मेकर नीरज पांडे स्पेशल ऑप्स हो या फिर फ्रीलांसर उनकी कामयाबी हम देख चुके हैं तो सबसे पहले तो आप मुबारकबाद आप दोनों को क्योंकि इतना सारा जो कॉन्टेंट है उसके बीच में बार बार सक्सेस को रिपीट करना आसान नहीं होता अगर जो थ्रिलर जॉनरा रहा है ओटीटी का जब से एडवेंट हुआ है एक किस्म से फेवरेट जॉनर माना जाता है चाहे फिल्म मेकर्स हो चाहे ऑडियंस हो एक्शन थ्रिलर थोड़ा डार्कर साइड हमने ज्यादा देखा है ऑफ लेट अब थोड़ा चेंज आ रहा है क्या वजह आप मानते हैं आप दोनों लोगों से हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान में किस तरह की फिल्में बन रही हैं और किस तरह का टीवी बन रहा है और हम चाहते थे कि स्ट्रीमिंग की दुनिया इन दोनों से थोड़ा अलग बने तो अगर आप हिंदुस्तान का की फिल्में देखें तो वहाँ पर जो डोमिनेंट जॉनरा है वो है एक्शन और रोमांस अगर आप हमारा टीवी देखेंगे वहाँ का जो डोमिनेंट जॉनरा है वो है फैमिली ड्रामा सोचा गया शुरुआत में नहीं ये तीन जॉनर्स हैं थोड़ा कम खेलेंगे और कहीं और जाकर अपनी जगह बनाते हैं जो कि उतनी ज्यादा ना टीवी पे देखी जा रही है ना फिल्मों पे देखी जा रही है वहाँ की जो बेहतरीन कहानियाँ होंगी वो हमारे पास आएंगी और एक अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंट आइडेंटिटी बनेगी और इसलिए हमारी जो शुरुआत हुई उसमें हमने देखा स्पेशल ऑप्स जैसा शो अभी फिलहाल फ्रीलांसर इसके बीच में क्रिमिनल जस्टिस आर्या तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये हमारी स्टेटेड स्ट्रेटजी थी और इस वजह से थी हमें लगा कि थ्रिलर्स में सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा काम शायद अब हम स्ट्रीमिंग में कर सकते हैं और हमारा दूसरा यकीन ये भी था कि हिंदुस्तान में जो स्ट्रीमिंग ऑडियंस है वो कॉम्प्लेक्स स्टोरीज देखना चाहती है कुछ आते हैं अपने लिए थोड़ा चैलेंज हो आसान नहीं हो एक तरह से एक गेम खेल रहे हैं डायरेक्टर्स के साथ कि यार जो इतना स्टेप आपने सोचा है हम उसको सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते और कभी लोग जीतते हैं कभी लोग हारते हैं लेकिन उसमें एक मजा आता है तो इस वजह से भी हमें लगा कि ये हमारे लिए सही कदम होगा और तीसरी बात थ्रिलर में आपके लिए सबसे जरूरी होता है कहानी और कहानी करता की क्षमता कि वो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न सोचे जिसको कि पकड़ पाना मुश्किल है लेकिन जब आप बाहर में देखें वो लॉजिकल और सही लगते हैं तो इट अलाउज द मीडियम टू बिकम स्टोरी टेलर फर्स्ट एंड वी हैव ग्रेट कन्विक्शन इन दैट लेकिन आप स्ट्रेटजी पेपर पर कुछ भी सोच लें आपको उनको बनाने वाले लोग होने चाहिए जो उसको बढ़िया तरह से बनाए और नीरज आप कुछ ऐड करना चाहते हैं मतलब किसी भी कोई गारंटी नहीं कि पूरी थ्रिलर नहीं बन सकती तो जॉनर है आप नहीं ये कोई गारंटी तो है नहीं कि मतलब ये एक सक्सेसफुल जॉनर है और यही चलेगी कहानियां फिर भी मतलब आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है बट या रिलेटिवली प्रेफर्ड जॉनर अच्छा मैं जैसे कह रही थी आपको मैं महारथी मानती हूँ इस जॉनर की एक्शन थ्रिलर जो मिशन वाली फिल्में हैं तो बेबी हो चाहे स्पेशल ऑप्स हो फ्रीलांसर हो खाकी भी हो तो कुछ मतलब क्या नुस्खा क्या आपने साध लिया है ऑडियंस को मैं कह सकती हूँ क्या नुस्खा होता है क्योंकि जैसे सर बोले तो उसमें हर वक्त आपको एक ट्विस्ट एंड टर्न लाना हर वक्त बांधे रखना है क्योंकि अगर इंटरेस्ट लूज हो गया तो फिर नहीं मजा आता है देखिए सही तौर पर भले आपको लगेगी मतलब टीजर थ्रिलर स्टोरीज फ्रीलांसर एक बहुत ही अलग कहानी है मिशन वाली तो इट्स नॉट ओनली अ मिशन स्टोरी इट्स अबाउट अ गर्ल हु इज अडॉप्टेड एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फादर रेस्क्यूइंग हिज ओन डॉटर दैट्स द सबटेक्स्ट ऑफ द होल स्टोरी सिमिलरली जब आप ऑप्स की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड इट्स नॉट जस्ट अ थ्रिलर इट्स अबाउट something that happened in our history, the Parliament attacks had happened, and it has got a long unsolved enigma to it. तो इस तरह की चीजें जो बड़ी कहानी है तो उसमें सिर्फ एक thriller is just a genre, but कहानी
गलतियां अपने आप में बहुत बड़ी है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो ऑप्स हो चाहे फ्रीलांसर हो। फ्रीलांसर लास्ट ईयर का वन ऑफ द बेस्ट व्यू शो रहा, उसके पीछे जब आप लोग बना रहे थे, जब आप लोग कमीशन किया, जब स्टार्ट किया, तो क्या विजन था, एंटिसिपेट किया था कि कितना पसंद किया? जैसे जब फर्स्ट आप लोगों ने दो पार्ट में लाया तो लोग काफी नाखुश भी हुए थे उसको लेकर के कि इंतजार क्यों करा रहे हो, उनका स्ट्रेटेजी तक कामयाब रहा देर से तक हमारा नाम था इसको बनाना और हमें इस पर कोई शक नहीं था, कोई सुना नहीं था कि मतलब इसको एक्सप्लॉइट करने का जो काम है, इसको ऑडियंस तक ले जाने का जो किसी जिम्मेदारी है वो और उससे बेहतर हमारी जो टीम है ऑस्टर उससे बेहतर वो भी कर पाएगी। सो दैट डिसीजन वी हैड अ चैट एंड वी लेफ्ट इट टू देम एंड या दे इज सो आई थिंक हमें बहुत एक कहानी से भी पहले नीरज को कहानियों पर बात ले जाते हैं, हमारा उसूल है फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर बन पहले, तो हम बहुत क्लियर थे कि स्पेशल ऑप्स के बाद हम एक नया फ्रेंचाइज भी नीरज के साथ बनाना चाहते थे और हमने नीरज से पूछा कि आपके फ्रेंचाइज कोई कहानी है कि लोगों ने इस नॉवल को प्रेफर किया क्योंकि लगता है कि इसमें से एक अच्छी सीरीज बन सकती है और वहीं से शुरुआत हुई। सोच सकें और ऐसा कर सकें कि ये करना मुश्किल है, अक्सर ऐसा होता नहीं कि आप एक कॉम्बिनेशन में एक तरह की चीज में एक बहुत बड़ी चीज करते हैं और फिर अगली चीज जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है वो बिल्कुल अलग है, सिवाय इसके कि नीरज फ्राइडे बना रहे हैं हमारे साथ बना रहे हैं, इन दोनों कहानियों में कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें बेहद खुशी है कि लोगों को ये काम और इतनी सारी और मैंने अपनी हैरानियत और अपना एडमिरेशन दिखाने के अलावा और कुछ नहीं किया, मैं इतना अमेज्ड था कि कितना ग्रिट, कितना डिटर्मिनेशन, कितना स्किल इस पूरी टीम ने दिखाया। बहुत बहुत मुश्किल है इस तरह की सीरीज बनाना, खास करके तब जब कोविड वर्ल्ड हर शूटिंग एरिया को बहुत मुश्किल बना रहा था, ट्रैवल करना खास करके विदेश में बहुत ज्यादा मुश्किल था और वो सारी मुश्किलें कहीं पर भी स्क्रीन पर नहीं थी और ये उनका हुनर है जो इसको ऐसा बनाता है। सर आप कुछ ऐड करोगे कि क्या कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से आप लोग उसे गेट थ्रू हुए? बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज आपको अगर याद हो तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमने ट्रिप शुरू किया था और इनफैक्ट मैं और मेरे जो कलीग हैं शीतल रेकी फर्स्ट पहली रेकी के लिए मोरक्को में थे और मोरक्को में थे जब लॉकडाउन हुआ और तुरंत हमको निकलना पड़ा वहाँ से, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम कि मतलब दिस नॉट गोइंग टू बी इजी प्रोजेक्ट टू एग्जीक्यूट बिकॉज आपका बल्क ऑफ द शूट जो है वो मुल्क के बाहर है और आप इंटरनेशनल फिल्म के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ लोग जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, तो 200 लोगों का वो यूनिट जो अलग अलग हिस्सों से एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और 40-45 दिन के लिए जो है एक ही जगह बैठे हैं, फिर उसके बाद कंपनी मूव करती है तीन अलग जगहों में मोरक्को में, इट वॉज वेरी एग्जॉस्टिव लॉजिस्टिकल लाइफ में, बट लाइक सीटर हैज ऑलवेज डन एंड टू बिगर द चैलेंज ही मेक्स इट इवन मोर इजीियर, सो इट बिकेम अ केक वॉक फॉर अस टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, बट उसमें भी एवरी डे वाज टेंशन बिकॉज किसी का कोविड टेस्ट आ रहा है
किसी को जाना है उसी में लोगों को आना जाना भी होता है. एक्टर्स वर कमिंग इन फ्रॉम इंडिया, दे वर गोइंग बैक टू इंडिया एंड मोर ऑफ कोर्ट इटसेल्फ आई मीन देयर वर केसेस ओवर देयर एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई मीन इट वाज अ जर्नी दैट आई होप I mean, we don't need that in ourselves now. that's something that I can say. But the more, but it's something that will always stay with us. The memories of the show, once the show came out, and the reception, the love that we got from the audiences all over, over the two drops, there has been. और जैसे आपने कहा कि 6 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो एक एक सोच के साथ आप आए थे, मतलब ओटीटी आया था. अब वो 6 साल बाद अब क्या बदलाव देख रहे हैं ऑडियंस की चॉइस में? क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि कोई फैमिली वाला बताओ, फैमिली शो बताओ जो पूरी फैमिली के साथ देख सके. अक्सर मुझसे पूछते हैं बिकॉज एक माइंड में बैक ऑफ माइंड जो थॉट है कि उस पर तो थोड़ा अलग तरह का शोज होते हैं ओटीटी पे, फैमिली के साथ पहले नहीं होते तो कुछ अच्छा है तो बताओ. बिकॉज अभी क्या है ना, लोग स्मार्ट टीवी पे देखने लगे, वो वाला टाइम थोड़ा बीत गया है कि वो मोबाइल पे इंडिविजुअल व्यूइंग हो रही है और स्मार्ट टीवी पे सबके पास है, वो पूरा परिवार बैठ करके देखना चाह रहा है. तो उस लिहाज में क्या आप परिवर्तन पा रहे हैं, देख रहे हैं? और एक तरह से जो चीज सिर्फ शुरू हो रही थी बहुत बहुत छोटी थी, अब वो एक तरह से मेन स्ट्रीम होती जा रही है. और मेरे ख्याल से जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पेशल ऑप्स जैसे शो का और फ्रीलांसर का, वो ये है कि वो स्ट्रीमिंग की छोटी दुनिया को अब बड़ा मेन स्ट्रीम बना रहे हो. तो अब मेरा जवाब उन लोगों को यही होगा कि आप स्पेशल ऑप्स देखिए. मुझे तो अगर वो स्पेशल ऑप्स हो या कॉफी विद करण हो या लेजेंड ऑफ हनुमान, हमारे ज्यादातर शोज ऐसे हैं जिनमें बड़ा यकीन है कि लोग अपने स्मार्ट टीवी पे पूरे परिवार के साथ आराम से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं. मेरे ख्याल से फ्रीलांसर भी, लेकिन मैंने खुद फ्रीलांसर दूसरी बार अपनी पत्नी के साथ देखा था और मैंने नीरज को बताया कि वो अक्सर वो डर रही थी और डर की वजह से कुछ सीन्स नहीं देखना चाह रही थी. तो अगर कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है, मैं जानता हूँ कि ये शायद अनुभव सही, लेकिन रोमांच उसमें भी है और देखने की उत्सुकता उसमें भी. तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे देश में हम देख रहे हैं कि स्मार्ट टीवी समाधान बढ़ते जा रहे हैं. मैंने कुछ स्टडीज देखी है जो इस नंबर को बता रहे हैं कि 50 मिलियन तक पहुंच गए, ये तो कई सारे देशों की आबादी से ज्यादा बढ़ता है. तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, अच्छा मार्केट है और इस वजह से ही अब स्ट्रीमिंग में ऐसे शोज बन सकते हैं. नीरज अभी जिक्र कर रहे थे बहुत गुफा स्पेशल ऑप्स उन्होंने जॉर्जिया और टर्की में शूट किया है. तो आज से 5-6 साल पहले हमारे मुल्क में ऐसे शोज बने हुए जो मोरक्को में, जॉर्जिया में, टर्की, बुडापेस्ट यहाँ सब जगह शूट हो रहे हैं. ये सोचना ही नामुमकिन था जो कुछ हमारी फिल्में ऐसी होती थी और वो भी ज्यादातर फिल्में न्यूयॉर्क और लंदन के बाहर नहीं जाती थी, हालांकि नीरज के फिल्में कहीं हैं, लेकिन उतना ही था दायरा हमारे एंटरटेनमेंट का सीमित और खास करके शोज का तो बहुत ज्यादा सीमित था. और उसको आज पूरी तरह से अच्छी तरह से बदल दिया गया है और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है नीरज का और फ्राइडे फाइनेंस का भी. अभी उन्होंने शिखर का जिक्र किया, हम दोनों अक्सर ये कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक इसलिए होता है क्योंकि बिना कुछ स्ट्रेस नीरज पर आए शीतल सारे काम करवा देते हैं. तो वो भी बहुत बड़े मैजिशियन है नीरज के इधर. तो अगर आप सीरिया देख पा रहे हैं और वैसे देख पा रहे हैं जैसे फ्रीलांसर में हुआ है, मेरे ख्याल से ये 8-5 साल पहले संभव ही नहीं था. तो हमारे व्यूअर्स के लिए हमें उम्मीद है कि ये ऐसा विजुअल फेस्ट है, एक ऐसी अद्भुत दावत है जो इससे पहले कभी हुई ही नहीं. स्पेशल ऑप्स का जो है उसमें और भी ज्यादा तो भी विजन रहा होगा कि उसको और बेटर, बिकॉज वो तो रहता ही है. तो क्या कुछ था उसके पीछे, कुछ जितना बता सकते हैं जो नया सीजन लोग देखने वाले हैं? फिलहाल बस इतना बताऊंगा दैट इट्स बिगर एंड बेटर एंड मतलब सबसीक्वेंट सीजंस. हर कोई यही चाहता है कि अपने
से बड़ा और बेहतर हम अभी भी कोशिश कर रहे थे एंड उसके लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस बट अभी एक यूनिवर्स का कल्चर चल रहा है अलग अलग यूनिवर्स बन गए तो आप लोग के भी जहन में कुछ है कि लाइक अविनाश और एक साथ यूनिवर्स में रह रहे हैं और इसमें होगा चैलेंजेस अब क्या है बिकॉज एक चीज ये भी कही जा रही है कि एक लेवल पे स्टैगनेंसी नहीं कहूंगी मैं बट सैचुरेशन भी अरेबिका सिटी ऑडियंस मोस्टली ओटीटी कंज्यूम कर रही है अब आप लोग और टीयर टू या टीयर थ्री सिटीज में अपने पैर फैला रहे होंगे उसके लिए क्या मतलब किस तरीके से आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या चीजें हैं कुछ मेरा पता है तो कहीं से भी कोई स्टैग्नेशन की कोई वजह नहीं है एक चीज जरूर है कि जो ग्रोथ पैंडेमिक के समय में देखी गई उसी ग्रोथ को बिना पैंडेमिक के सालों में अज्यूम करना गलत होगा क्योंकि वो एक बहुत अलग समय था और हम सब दुआ करते थे कि ऐसा समय दोबारा बिल्कुल ना आए तो लोगों की जिंदगी आए हम सबको बहुत सारी चीजें करनी थी हम करके सिर्फ एक सीरीज बैठ के या फिल्म बैठ के करते नहीं देखी तो वो ऑब्वियसली वो ग्रोथ रेट उसको अचीव करना लेकिन एक हेल्दी ग्रेट ग्रोथ रेट ना होने की कोई वजह नहीं है और डेटा बहुत सिंपल है जितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी उतना लोगों का लेजर टाइम बढ़ेगा और वो उसे स्टोरी टेलिंग पर भी बिताएंगे और दुनिया भर में ऐसे हो रहा है हमारे में कोई ऐसे ही हुआ है पिछले 20 सालों और आगे भी यही होगा जितने ज्यादा विकसित होते जाएंगे जितना हमारा मिडिल क्लास कैपेसिटी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ये मार्केट और बढ़िया होता जाएगा तो इसको इन फंडामेंटल्स पे बहुत कुछ थिएटर्स में नहीं खुले थे तो ओनली ओटीटी वाज देयर अभी वो भी ओपन हो गए तो वो स्ट्रीमिंग और थिएटर एक्सपीरियंस में कोई जगह नहीं देखिए नीरज फुल्ली का है उनके भी फिल्म आई है और वो ओटीटी के लिए बड़ी भी करें वो हमारे साथ दो बड़ी सीरीज होने की तो उनके लिए तो ये दोनों जरिए हैं अपनी कहानियों को कहने के हमारी एज अ कंपनी हमारे लिए भी हमारा थिएटर बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है हमने अवतार बनाई हमने ब्रह्मास्त्र बनाई इन दोनों ने बहुत अच्छा बिजनेस हिंदुस्तान में किया हम उन फिल्मों को भी खरीदते हैं और स्ट्रीमिंग पे लाते हैं जिन्होंने की थिएटर्स में अच्छा बिजनेस किया जैसे हाल ही में ट्वेल्थ फिल्म और उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बिजनेस किया है तो अगर अच्छा कंटेंट आएगा और वो थिएटर्स में अच्छा करेगा वो स्ट्रीमिंग पर भी अच्छा करेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थिएटर्स साल में बहुत कुछ बार जा पाते हैं पहले लोगों का उतना पैसा नहीं है कि आप हर फ्राइडे जाकर पिक्चर देखें सो पीपल मेक चॉइसेस लेकिन अगर आपके पास स्ट्रीमिंग ऐप है उसमें जितनी भी अच्छी फिल्में आएंगी वो आप देखना शुरू जरूर करेंगे करें या नहीं करें वो फिल्म लेकर के आते हैं लेकिन ज्यादातर वो ट्रायल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये दो अलग नीड स्टेट्स हैं और इन दोनों के लिए देयरफॉर अलग अच्छा बढ़िया मार्केट है और इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है हिंदुस्तान में तो थिएट्रिकल बिजनेस और ग्रो करने का पोटेंशियल है हमारी स्क्रीन डेंसिटी और बेहतर हो सकती है हमारी फिल्में और बेहतर हो सकती है क्योंकि और बढ़िया बॉक्स ऑफिस लेकर आएंगी राइट पिछले साल की फिल्मों ने खास करके दिखाया है कि अच्छी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन कितना बड़ा तो आप आसानी से एक बहुत अच्छी फिल्म आप बना सकते हैं जो सिर्फ हिंदी में 600 करोड़ का बिजनेस करती है 700 करोड़ का बिजनेस करती है इससे पहले नहीं हो रहा था पिछले साल के पहले नहीं हो रहा था तो हमने देखा है कि थिएट्रिकल बिजनेस हमारे देश में बढ़ रहा है और बड़ी फिल्मों की बड़ी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा है वही मौका स्ट्रीमिंग के पास भी है और इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कनेक्टेड टीवी हाउस होल्ड तेजी से बढ़ रही तो जैसे ही वो कनेक्टेड टीवी हाउस होल्ड बनेगा इसका मतलब है कि आपके घर में एक बेहतरीन टीवी है अच्छा साउंड सिस्टम है राइट आप उसमें एक बढ़िया कॉन्टेंट जिसमें कि बहुत शानदार फ्रेमिंग है आउटस्टैंडिंग एक्टर्स है बढ़िया कहानी है वो आप देखना चाहेंगे तो वो वरना उस सबका फायदा क्या है क्यों आपने तो वो हम सबके लिए एक अच्छा मार्केट बनाता है कभी वहाँ पे आप स्टार वॉर्स की फिल्में देखेंगे कभी आप उसमें जेम्स कैमरॉन का काम देखेंगे कभी आप नीरज पांडे की सीरीज देखेंगे
तभी तो मजा आता है. तो उस मजा को क्रिएट करना, उस अमेजिंग एंटरटेनमेंट को क्रिएट करना, वो हमारा काम. जैसा मैं थिएट्रिकल की बात की, अभी मैं रिसेंटली शो टाइम जो आपका शो अपकमिंग है उसके उनके कार से इंटरव्यू कर रही थी. इमरान ने कहा कि अभी जो देखा जा रहा है, सर आपसे भी कहना चाहूंगी कि जो थिएट्रिकल बिजनेस है वहाँ पे फिल्म मेकर्स रिस्क लेने से डर रहे हैं, बिकॉज जो भी ज्यादा फिल्म, जैसे तीन चार नाम है जो बड़ा बिजनेस कर रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ जो बड़ी फिल्में हैं, जो इवेंट फिल्में हैं, वही वर्क कर रही हैं. जो पहले जो एक मीडियम बजट फिल्म होती थी वो अभी नहीं चल रही है, उसे OTT के लिए है. तो मेकर्स रिस्क लेने से डर रहे हैं थोड़ा सा अभी. आपका क्या ओपिनियन है? आपका बेबुनियाद सवाल है कि मतलब कोई छोटी फिल्म चलेगी, बड़ी फिल्म चलेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. स्टोरी से लोग बहुत कई तो फंडर वर्ड हुआ कि जहाँ तक इसका सवाल है, दैट इज अ वेरी इंडिविजुअल थिंग एंड वेरी लाइक देयर विल बी पीपल वुड वांट टू मेक स्टोरीज ऑन फॉर द बिग स्क्रीन. कुछ कहानियां हैं जो ऑटोमेटिकली OTT पर ज्यादा सूट करेंगी, वो कहानियां उनके लिए बननी चाहिए. और जो थिएट्रिकल है थिएट्रिकल ही बनेगी. बट थिएट्रिकल में भी इट्स नॉट कि सिर्फ बड़ी फिल्में ही चलने वाली है. फार्मूला पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, मतलब दो साल की जर्नी होती है हर एक फिल्म की, करने से सोचने से लेकर रिलीज होने तक की. कोई आज तक ये क्रैक नहीं कर पाया कि क्या फार्मूला है. तो जब आप बैठती है, जब पहला जो फर्स्ट थॉट आता है, चलो अब इस आइडिया पे फिल्म बनाए, तब से लेकर कम से कम 1.5 से 2 साल का जितनी. तो इट्स नॉट राइट टू अज्यूम कि मतलब सब कोई एक रूम में बैठ कर डिसाइड कर रहे होते हैं कि मतलब अब ये क्रांति लाएंगे, वैसे नहीं चलते. सबसे बड़ा होप और हमारे देश की सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ऑडियंस है. ऑडियंस फैंटास्टिक है और उनको अच्छा काम बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम सबके लिए चैलेंज है हम और अच्छा काम करें. तो सारा वो प्रेज और वो डिजर्व्स आपको मिले. थैंक यू सो मच आप दोनों का इतने सारे इनपुट्स के लिए, इतने सारे एनरिचिंग. थैंक यू.